हेलो दोस्तों। तो आपने कई वीडियो स्क्रॉल करने के बाद आपने ये भी सोचा होगा कि हाँ भी हम अपने फेस के एक्नेज पिंपल्स को कैसे दूर कर सकें। आपने ये भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, तो इसके बारे में मैं कुछ ऐसी वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए कि आपके एक्नेज पिंपल्स ब्लैक हेड्स ओपन पोर्स वगैरह ठीक हो जाए सब कुछ। जैसे कि आप सब मेरे फेस को देख ही रहे हो, एकदम सिंपल है, नो फिल्टर नो कुछ भी, तो एकदम सिंपल फेस है। अभी भी मैं नहा के आई हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कि अपने पिंपल्स वगैरह अपने एक्नेज सारा कुछ ठीक किया। अभी मेरी फेस वॉश स्किन है तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ मैं नहा कर बाहर आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके सामने एक शेयर करती हूँ वीडियो को। तो आपको आपने ये सुना होगा कि हाँ भी आपने सुना होगा कि लैक्टोकैनामाइन फेस लोशन के बारे में। तो ये फेस लोशन है, बहुत ही अच्छा है ये फेस लोशन है, इसकी ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए भी आता है, जिसकी ऑयली भी नहीं होती, नॉर्मल भी नहीं होती, यानी मीन्स दोनों होती है, ऐसी स्किन के लिए भी होता है। और इसका मैंने इसको लिया है 130 रुपीज़ में लिया है मैंने। ये 60 ml है, इससे छोटा पैक भी आता है और ये पाउच में भी आता है और इससे बड़ी बॉटल भी आती है। तो मैंने ये लिया है, आपको दिख रहा होगा, तो मैंने ये लिया है। तो मेरी स्किन है ऑयली तो मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने यही लिया। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ दिन में भी, रात को सोने के टाइम भी। अगर आप दिन में करना चाह रहे हो तो दिन में कर लो, तो या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टाइनिंग हो गया है, आप कहीं से घूम कर आए हो तो आपकी स्किन में बहुत कालापन आ गया, टाइनिंग हो गया कहीं पे भी आपको लग रहा है, अपनी बॉडी में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी में नहीं यूज़ कर सकते। जिनको प्रॉब्लम है, जिन गर्ल्स को प्रॉब्लम है कि हाँ जो गर्ल्स को हो जाती है 15 से 20 एज में पिंपल्स होने लग जाते हैं, तो वो गर्ल्स इसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि इसको अप्लाई करना है एज अ लोशन की तरह, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। पर इसको लगाने के बाद आपको ये फील होगा, देखो मैंने इतना सा लिया है, आपको लगाने के बाद ये फील होगा कि ये मतलब फेस पे कोई बारह बारह मेकअप किया हुआ है या फिर आपने कोई हैवी चीज़ लगाई हुई हैवी लोशन लगाया हुआ, तो ऐसे आपको फील होगा। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आपको दिख रहा होगा मेरी स्किन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है मेरी स्किन। मैं अभी नहा कर ही आई हूँ, तो मैंने ऐसे लगा लिया इसको। तो अगर आपकी नेक में है या आपके बैक में है कोई यानी मिस टैनिंग है तो आप इसे तब भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको लगाया, अभी मेरे फेस पे ओपन पोर्स है, मेकअप करने के बाद ही मेरे को ओपन पोर्स। कई लोग दिखाते हैं कि मेकअप करने ऐसी ऐसी फाउंडेशन ऐसे ऐसे क्रीम में लगाओ कि ओपन पोर्स नहीं दिखते, बट ऐसा नहीं होता कुछ भी, हमेशा दिखते ही दिखते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे है, यही है एक कि आप इसको लगाते रहो कि आपकी ऑयली स्किन ना हो, तो ये ऑयल को एकदम सोख लेगा। ये देखो स्किन ऐसी होगी मेरी स्किन, तो ये आपके ऑयल को सोख लेगा, थोड़ी देर बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और अगर आपको इसको दिन में लगाना है तो आप दिन में भी लगा सकते हो, पर एक एक बात अच्छे से अच्छा सा फेस एकदम क्लीन कर लेना कि बिल्कुल भी कुछ ना हो, बिल्कुल भी, यानी मीन्स अगर हम गंदगी के ऊपर, गंदे फेस के ऊपर ही कुछ भी अप्लाई करते हैं तो और गंदगी अंदर ही चले जाती है। इसके लिए हमें फेस वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से फेस वॉश करके आपको ये अप्लाई करना है, तो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया। अभी मेरी स्किन ऐसी है, मेरे थोड़े थोड़े पिंपल्स हैं, अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है लगाना, तो पहले मैं लगाती थी इसको। हाँ, स्पेशली वो लोग इसको जरूर लगाएं जिनको चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स होने के बाद वो निशान ना छूट जाए, वो पिंपल्स जो निकलते हैं हमारे वो पिंपल्स ना छूट जाए, उसको हटाने के लिए और उसको उसका निशान छूट ना जाए, तो आप इसको वहीं पे ही बस अप्लाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटा अप्लाई करना, इससे आपको ठंडक मिलेगी। अगर आप इसको पैक की तरह यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही ये ठंडा ठंडा लगेगा, अगर आपको वैसे यूज़ करना है तो वैसे करना, पर अगर आपको पैक की तरह यूज़ करना है तो आप नाइट में ही लगाना, क्योंकि वो पूरा दिन तो ऐसे रख नहीं सकते, आपको कहीं जाना भी होता है, तो इसलिए आप उसको नाइट में ही लगाना अगर आपको पैक की तरह यूज़ करना है। अगर आपको क्रीम की तरह यूज़ करना है, जैसे मॉइस्चराइजर की तरह, लोशन की तरह, तो आप
आप इसको ऐसे लगाना जैसे मैंने लगाया है। अगर आपको लैक्टो लोशन में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इसको लेना, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको कोई कुछ नहीं है। जैसे लोगों को होता है ना कि ईचिंग होगी या कुछ होगा, कोई नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने हैवी मेकअप किया हो, ऐसा लगता है ना कभी कभी, वैसी चीज़ आएगी। पर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की स्किन में नहीं सूट करता, किसी की स्किन में, अच्छा पहली बात ये नोट कर लो, किसी की स्किन में ये होता है ना कि हाँ हमारी स्किन में इचिंग हो रही है इसको लगाने के लिए, तो ये मत सोचना कि हाँ हमारी स्किन में कुछ हो रहा है, बट ये सोचना कि हमारी स्किन ठीक हो रही है वहाँ से। अगर आपको जलना जलना फील हो रहा है तो ये सोचना कि हमारी स्किन में कुछ हुआ था, वो ठीक हो रहा है। पहले मेरे को भी नहीं पता था, तो मैंने चेक किया ऐसे करके, तो मेरी स्किन को मतलब ठीक हो रहा था, धीरे धीरे करके ठीक हो रहा था। पिंपल्स होता ही है, जैसे स्टार्ट होने लग जाता है पिंपल, तो आप उसी पे ही मोटा ऐसे करके लगा लो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये निकाला, इसको ऐसे लगा लो, बस वहीं पे लगा लो, इतना मोटा मोटा लगा लो, तो फिर आपका पिंपल सुबह उठते तक ही एकदम मतलब बैठ जाएगा, एकदम क्लीन नहीं होगा बट बैठ जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो फिर उसके बाद आपको सुबह उठ के फेस वॉश करना है, तो आपका पिंपल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ऐसे 2-3 दिन में लगाते रहोगे तो आपका पिंपल एकदम क्लीन हो जाएगा, जैसे मेरी स्किन क्लीन दिख रही है वैसे हो जाएगा। तो मेरी स्किन में हल्के हल्के पिंपल्स हैं, हल्के हल्के पिंपल्स हैं, वैसे कुछ है नहीं, हल्के हल्के पिंपल्स हैं और ओपन पोर्स हैं। मेरे हद तक ब्लैक हेड्स भी थे, तो मेरे को मैं मार्केट में जा रही थी तो ओपन सनशाइन में मेरे को दिखाई दे रहे थे कि ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो मैंने इसे अप्लाई किया तो ब्लैक हेड्स मेरे को अब कम से कम मेरे होंगे 10-12 ब्लैक हेड्स होंगे, अब मेरे को 2-3 दिन ही दिख रहे हैं। तो आप इसको ब्लैक हेड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं से ये परचेस नहीं हो रहा, आपके कहीं से आपको नहीं मिल रहा, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो, तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप मेरे लिंक से भी ले सकते हो। इसे अमेजोन से भी पे कर सकते हो, इसे ऑर्डर भी कर सकते हो। और अगर आपको ये लेना है तो आपके आसपास कई मेडिकल स्टोर होंगे या फिर किसी डॉक्टर के पास ये मिल जाएगा आराम से, या नॉर्मली मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, आप इसे परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस है 130 रुपीज़, ये 60 ml का है, ये आपको काफ़ी दिनों तक लगा सकते हो। इसको कम से कम 1 महीने के बाद देखना, आपकी स्किन इतनी फेयर होने लग जाएगी, इतना ग्लो करने लग जाएगा, जो आपकी ऑयल होता है स्किन में वो नहीं दिखेगा, आपको एकदम अच्छा लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ नहाकर बाहर आई थी तो मैंने इसे सीधा अप्लाई कर लिया, मैंने कुछ नहीं लगाया फेस पे, ना फिल्टर है ना कुछ है। अगर आपको इसे यूज़ करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। मेरे आने पे एक बार यूज़ करके देखना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।